हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है। आपके खातों में जो आपकी पेंशन पहुंचती है, वो चाहे पेंशनर्स हो चाहे वो फैमिली पेंशनर्स हो, उसके रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूँ मैं आपको। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखाया जाएगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से अभी अभी जारी किया गया है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहिए आप हमारे इस वीडियो पे लास्ट तक। और अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से अभी अभी जारी किया गया है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जहाँ देख सकते हैं जो भी आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं जो कि रिटायरमेंट एम्प्लॉइज़ को दिए जाते हैं, वो उनमें बहुत सारी चीज़ें में डिले होता है। कई बार तो 3 मंथ्स, कई बार 5 मंथ्स और कई बार इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसे में जो टाइमली पेमेंट हो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ताकि सभी पेंशनर्स और सभी फैमिली पेंशनर्स को उसका फ़ायदा सीधा सीधा पहुँच सके। बेसिकली आप सब्जेक्ट में भी देख पा रहे होंगे, टाइमली पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स टू द रिटायरमेंट एम्प्लॉइज। आगे इसमें लिखा है, इट हैज़ बीन ब्रॉड टू द नोटिस ऑफ दिस ऑफिस दैट द फर्स्ट क्रेडिट ऑफ पेंशन टू द अमाउंट ऑफ पेंशनर्स हैज़ बीन डिलेड एंड इन सर्टेन केसेस बियॉन्ड 3 मंथ्स। जबकि इसमें बोला गया है कि बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनकी स्पेशली पहली पेंशन जो है उनको खातों में क्रेडिट होने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, डिले हो जाता है, कई बार ऐसे केसेस में 3 मंथ्स तक या उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। जबकि गवर्नमेंट का जो पहले से एक ऑफिस मेमोरेंडम 2021 का है, जो कि 12/7/2021 1/23/5/2021 का है, कि CPO की तरफ से जारी किया गया है कि अगर जो फर्स्ट क्रेडिट है पेंशनर्स की पेंशन की, वो जो है EPPO के बेसिस पे दी जाए, ना कि फिजिकल PPO जो बुकलेट है या उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है उनके स्टैंडर्ड टाइमलाइंस आने पर टाइम लगता है, वो फिजिकल चीज़ें आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसके बेसिस पर ना दे करके EPPO जो जारी किया जाता है उसी के बेसिस पर सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो पेंशन है वो उनको उनके खाते में पहुंचाई जाए। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है उसने बहुत ही सीरियस व्यू लिया है इन सब, जो भी पेंशनर्स और जो भी फैमिली पेंशन जो डिले हो रही है उसके चलते, जो कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशन के खातों में जो चीज़ें नहीं पहुँच पा रही उसके चलते में। और इसके रिलेटेड उन्होंने एक ऑफिस सर्कुलर भी निकाला है, और इसके पहले भी टाइम टू टाइम जो ऑफिस सर्कुलर निकलता रहा है आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर भी, जिसमें आप एक्टिविटी भी देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 में, द फॉलोइंग टाइम स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय ऑल फील्ड डिटेल्स। इसमें एक्टिविटी में आप देख सकते हैं, प्रोसेसिंग ऑल ऑफ ऑल पेंशन फैमिली पेंशन केसेस बाय पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर्स, जो कि आपका PO ऑफिस होता है, आफ्टर रिसीविंग ऑल नेसेसरी फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट इट ऑल रिस्पेक्ट फ्रॉम द हेड ऑफ ऑफिस। इसमें लिखा है कितना टाइम लगना चाहिए, नॉट लेटर देन 2 मंथ्स इन द एडवांस ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट। यानी देख सकते हैं कि 2 मंथ के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, और 30 डेज़ के अंदर जो है उसमें फैमिली पेंशन का प्रावधान रखा गया है। तो आप देख सकते हैं, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें गई दी गई कि आपका जो वेरिफिकेशन है PPO है वो CPO और बाकी जो चीज़ें हैं CPCC के बीच में 15 दिन का टाइम लगना चाहिए, और CPAO से बैंक में भी वही टाइम इसमें लिखा गया है। इसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, कि इसमें अब आगे जो है टाइमली आपकी जो भी पेंशन हो, आपकी फैमिली पेंशन आपके खातों में आएगी, वो टाइमली आए, क्योंकि सरकार ने जो है गवर्नमेंट ने हर चीज़ का एक टाइम फिक्स कर सका, उससे ज़्यादा डिले कर नहीं सकते हैं, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे वो आपका PA ऑफिस हो या फिर और अदर ऑफिस हो। और ये इस PPO के बेसिस पर ही आपको जो है फर्स्ट आपकी जो पेंशन है वो उनका आपके खातों में क्रेडिट की जानी चाहिए। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा, ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए।